खबर कन्नौज से, जहां हरदेवगंज स्थित मार्ट में घुसकर मारपीट के मामले में पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने दो लोगों पर दर्ज किया मुकदमा। कन्नौज शहर के चौहट्टा मोहल्ला निवासी हिमांशु श्रीवास्तव पुत्र राकेश श्रीवास्तव ने सदर कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि शनिवार की दोपहर करीब 3 बजे वह हरदेवगंज स्थित ईजी मार्ट में आइसक्रीम काउंटर पर बैठा हुआ था। तभी पंकज पुत्र सियाराम व देशराज पुत्र विभूति निवासी ग्राम बकसपुरवा थाना कन्नौज काउंटर पर आए और आइसक्रीम काउंटर में हाथ डाल दिया। जब उसने उक्त लोगों को रोका तो इस पर वह गाली गलौज करने लगे। मना करने पर उक्त दोनों ने उसे बुरी तरह मारा पीटा, जिसमें युवक के सर में गंभीर चोटें आई। पुलिस ने मौके से दोनों युवकों को दबोच लिया। पीड़ित की तहरीर के आधार पर सदर कोतवाली पुलिस ने उक्त दोनों युवकों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कन्नौज से जिला संवाददाता शिगु सैनी की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज। क्या नाम है भैया आपका? हमारा हिमांशु श्रीवास्तव। क्या हुआ? एक्चुअली में ये हुआ कि हम मॉल में जैसे जॉब कर रहे थे, ये दोनों लोग, दो युवक अंदर आए नशे की हालत में। इन्होंने जो है आइसक्रीम निकाल ली बगैर पूछे। काउंटर पूछा तो हमने, भैया पूछ लेते उधर कोई है नहीं तो बुला लेते भैया कि कोई है नहीं इधर, हम तुमको निकाल के दे देते। तो इन्होंने डायरेक्ट आके उसमें हाथ डाल दिया। जब हमने उसका विरोध किया कि भैया आपने हाथ क्यों डाला, तो ये लोग लड़ने लगे, दोनों लोग बहस करने लगे, हाथापाई करने लगे। इसी बीच में हाथापाई बढ़ती चली गई तो उसी हिसाब से फिर लड़ाई हो गई। फिर आपके साथ मारपीट किसने की है? मारपीट यही दोनों लोगों ने की थी। हम जानते तो नहीं है, जो कस्टमरी टाइप के दोनों लोग आते हैं अपने, अभी इस बहुत से लोग आते हैं कि हर आदमी थोड़ा जानते हैं। तो उन्होंने एकदम हाथ पाँच मतलब करने लगे तो फिर हम लोग भी आ गए, फिर लड़ाई होने लगी। ये इजी मार्ट के पास अंदर आइसक्रीम पार्लर के अंदर, इजी मार्ट कैंपस के अंदर। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।